बाबत हर काम में रुकावट आ रही है। लोग जैसे तैसे जरूरी काम निपटा रहे हैं। अक्सर करके लोग शादी ब्याह के कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। कुछ एक वो भी हैं जो कि दुश्वारियां उठाकर शादी ब्याह रचा भी रहे हैं। रविवार को लॉकडाउन के बाद भी एक युगल ने शादी के साथ फेरे लिए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन ये विवाह सादगी से और प्रशासन की अनुमति से हुआ। विवाह में बारात में सिर्फ 5 व्यक्ति ही शामिल हुए और रीति रिवाज के दौरान चेहरों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। जानकारी के अनुसार उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव के निवासी अनुज का विवाह रायबरेली के सरेनी क्षेत्र के डिखिया गांव निवासी राम नरेश की पुत्री अनुपम के साथ आज के दिन होना तय हुआ था। अनुज की मां बीमार रहती है और वो दुबई में शटरिंग का काम करता है और पिछले एक साल से वो यहीं पर है। लॉकडाउन के कारण इन दोनों के विवाह होने में समस्या आ रही थी। उधर मां की बीमारी के चलते विवाह को टाला भी नहीं जा सकता था। तब अनुज ने बिहार थाने जाकर अपनी समस्या बताई और शादी की अनुमति मांगी तो पुलिस ने भी सोशल डिस्टेंसिंग व मानक के साथ शादी करने की अनुमति देते हुए कहा कि बारात में सिर्फ 5 लोग ही शामिल हो सकते हैं और उन्हें नियमों का पालन करना होगा। इस तरह अनुज बारात लेकर अनुपम के घर पहुंचा और सादगी से रीति रिवाजों के साथ उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। क्षेत्र में ये विवाह इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। रायबरेली से संवाददाता सुधीर अग्निहोत्री की रिपोर्ट। पंडित जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। आज आप कहाँ पर आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं? डिघिया में आए हैं। हाँ, डिघिया चालीस राम नरेश की। हाँ, तो आए हैं। क्या आप करा रहे हैं, शादी वादी करा रहे हैं? हाँ, शादी करवाने के लिए। अच्छा, तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है क्या? हो रहा है? हाँ, पूरा हो रहा है। अच्छा, सब लोग तो दूरी पर। कहाँ से बारात आई है, किसके यहाँ है, कुछ बताएंगे? मेरा खेड़ा उन्नाव। अच्छा, कहाँ पर आई है? डिघिया। किसके यहाँ? राम नरेश यादव। कहाँ के रहने वाले? पूरे नौरी सातनपुर। आज आप कहाँ आए हैं? आज हम बारात लेके आए अपने बुआ के लड़के के। कहाँ से बारात लेकर आए? कहाँ आप बारात लेकर आए? बिहार नया खेड़ा है। अब कहाँ बारात आई है? ये इसका नाम है डिघिया। डिघिया लेके आए हैं। कितने लोग आए हैं? 5 लोग लेके आए हैं। सोशल डिस्टेंस के हिसाब से चल रहे हैं, सिर्फ कोरोना की दूरी, उचित दूरी 1-1 मीटर की बना रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नयाखेड़ा, पोस्ट गौरा, थाना बिहार। अच्छा, आज आप बारात लेकर आए हैं, कहाँ बारात लेकर आए हैं, कितने लोग बारात में आए हैं, क्या आपको परमिशन मिले, इसके बारे में कुछ बताएं। सर, 5 लोग आए हैं और ग्राम डिघिया, पोस्ट मीठापुर, रायबरेली आए हैं। बारात में कितने लोग आए हैं? 5 लोग। कोई रास्ते में दिक्कत? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। शादी का प्रोग्राम आपका चल रहा है? सर, संपन्न हो गया शादी का प्रोग्राम। अच्छा, तो लॉकडाउन में आपकी शादी हो रही, इसमें आपको कैसा लग रहा है? जैसे काफ़ी धूम धड़ाका शादी होती है, आज आपकी शादी है, शांति भरा माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? सर, पूरा शांति भरा माहौल रखा लॉकडाउन का पालन करते हुए सर, कोई धूमधाम नहीं सर, सिंपल कार्यक्रम रहा। ठीक है। आपका नाम क्या है? अनिश कुमार सर। और आपके पिता? जंग बहादुर स्वर्गीय जंग बहादुर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम डिघिया। आज आपकी लड़की की शादी है। हाँ जी। कहाँ से बारात आई है? नया खेड़ा उन्नाव बिहार थाना। अच्छा, कितने लोग आए हैं बारात में? 5 आदमी। लड़की की शादी, बेटी जिसकी शादी, उसका क्या नाम है? अनुज कुमार। आपकी बेटी का क्या नाम है? अनुपम जी। कैसा दादा महसूस कर रहे हैं, लॉकडाउन के पहले आपने शादी तय की थी और लॉकडाउन में आपकी शादी हो रही, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये लॉकडाउन का जो है कि आप पालन नियम पालन के अनुसार कर रहे हैं, मजबूरी थी, नहीं शादी ना करते। लड़की की माँ की तबीयत खराब रहती है। अच्छा, आप 3-4 साल से मजबूरी बस शादी हुई है। कितने लोग बारात से आए? 5 लोग। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.